भारतीयों के लिए। बढ़ते आगे, अंतरिक्ष की दुनिया में चीन का एक और बड़ा कदम देखा जा रहा है। मैग्नेटिक स्पेस लॉन्चर बनाने की तैयारी में है चीन। चंद्रमा से हीलियम पृथ्वी पर लाने के लिए स्पेस लॉन्चर तैयार है। 1.5 लाख करोड़ रुपए में तैयार होगा ये स्पेस लॉन्चर। इसकी पूरी तरह से भूमिका बना ली गई है। बिजली का इस्तेमाल करेगा ये स्पेस लॉन्चर। चांद से उसकी चांद की दूर करने की तैयारी कर रहा है चीन। और अंतरिक्ष की दुनिया में चीन एक बड़ा कदम रखने जा रहा है। मैग्नेटिक स्पेस लॉन्चर बनाने की तैयारी में है चीन। चंद्रमा से हीलियम पृथ्वी पर लाने के लिए स्पेस लॉन्चर बनाया जा रहा है। 1.5 लाख करोड़ रुपए की इसमें लागत आएगी। अंतरिक्ष की दुनिया में अपनी ताकत का लोहा मनवा चुका चीन एक और बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। दरअसल चीन के वैज्ञानिक चंद्रमा से हीलियम निकालकर उसे पृथ्वी पर लाने के लिए मैग्नेटिक स्पेस लॉन्चर बनाने की तैयारी में है। ये लॉन्चर 1.5 लाख करोड़ रुपए में तैयार होगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक स्पेस लॉन्चर को इस तरह से तैयार किया जाएगा ताकि ये चांद की सतह पर जाकर वहां से हीलियम 3 और अन्य मूल्यवान रिसोर्सेज को धरती तक भेज सके। इस लॉन्चर का वजन 80 मैट्रिक होगा। इसका इस्तेमाल चंद्रमा की सतह पर मौजूदा आइसोटोप हीलियम 3 को निकालने के लिए किया जाएगा। हालांकि चीन का ये लॉन्चर कब से तैयार होगा और कब इसे लॉन्च किया जाएगा उसे लेकर अभी तक कोई फिक्स तारीख सामने नहीं आई है। वहीं माना जा रहा है कि ये योजना रूस और चीन के संयुक्त अंतरिक्ष कार्यक्रम से जुड़ी हो सकती है। इस कार्यक्रम में दोनों देशों ने 2035 तक चांद के दक्षिणी ध्रुव पर एक रिसर्च स्टेशन बनाने का भी प्रस्ताव बना रखा है। इस लॉन्चर की बात करें तो इसे इस हिसाब से बनाया जाएगा जिससे ये चांद की सतह पर कम से कम 20 साल तक टिक सके। बताया जा रहा है कि लॉन्चर काम करने के लिए सिर्फ बिजली का इस्तेमाल करेगा और ये बिजली परमाणु और सौर स्रोतों से प्राप्त की जाएगी। लॉन्चर चांद के उच्च निर्वात और कम गुरुत्वाकर्षण का उपयोग करके अंतरिक्ष सामग्री को पृथ्वी की ओर फेंकेगा। तो देखिए, एक बार फिर से चीन चांद पर एक नई शुरुआत करेगा और मैग्नेटिक स्पेस लॉन्चर के साथ नया कीर्तिमान रचने की तैयारी में है चीन। बढ़ते आगे, रेलवे ट्रैक से हैरान कर